कैसे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, और अगर नए नहीं हो, पुराने हो, तो फिर एक लाइक कर दो वीडियो को। तो इस ब्लॉग को इधर से ही करते हैं शुरू। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर किसी काम से, दोबारा आज जा रहे हैं, अभी पापा ने बताया नहीं है, किसी काम से हम लोग बाहर जा रहे हैं आज। तो मैं बात को आपसे बताने, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पापा के साथ बाहर किसी काम से, जा रहे हैं पापा के काम से। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ मेरे छोटे भाई, जिसके साथ हमने प्रैंक किया था। उसका रियल में नाम है इबाद, लेकिन हम उसको प्यार से बोलते हैं चुलबुल पांडे। तो भाई आप लोग का तो बच्चा है पता है यार, बच्चे बहुत शरारतें करते हैं, तंग करते हैं, तो हमने उसका नाम रखा हुआ है चुलबुल पांडे। तो हेलो इबाद, यानी कि चुलबुल पांडे से, अभी वो चुलबुल पांडे पे हो चुके हैं डाउन पांडे, अभी इनकी तबीयत खराब है। ये रहा है भाई इबाद साहब। इबाद क्या हुआ, फीवर हो रहा है आपको? जी अभी इनकी तबीयत पूरी डाउन हो चुकी है, क्योंकि ये बाहर निकले हुए थे ना, तो इनकी तबीयत खराब हो गई थी, और स्कूल खुलने ना, तो इसी वजह से इनको जो ना और मसला हो गया, यानी कि स्कूल खुलते इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई है। तो क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो भाग दौड़ करते हैं, भागते हैं, ये करते हैं ना, तो उनके चोटें वगैरह लगती हैं, इसी वजह से वो बीमार हो जाते हैं, उनके लग जाती है चोट, उसकी वजह से हड्डियों में दर्द हो जाता है, ये होता है, ये मेरे साथ भी पहले होता था। तो अभी मैं आपको एक और अपने बड़े भाई से मिलवाने वाला हूँ, जो हमारे कैमरा मैन है, जो मेरी वीडियो बनाने में हेल्प करते हैं, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसके अंदर मेरी हेल्प वगैरह करवाते हैं। उनका नाम है अब्दुल्ला, और उनको हम प्यार से कहते हैं मोटा भाई। अब्दुल्ला भाई जो है हमारे, उनको हम प्यार से कहते हैं मोटा भाई। तो उनसे मैं भी आपको मिलवाता हूँ। ये रहे मेरे अब्दुल्ला भाई, ये मेरे कैमरा मैन है, जो मेरी वीडियो शूट करवाने में हेल्प करते हैं। क्या है मोटा भाई? खैरियत, आप सुनाओ बस। मैं तो ठीक हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इंटरटेन करवाने इबाद को, इबाद की तबीयत खराब है जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है। तो गाइज अभी हमारे साथ ग्रीन बस भी चल रही है, जो मैंने आपको उस पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था, वो देखो भाई ग्रीन बस साथ जा रही है हमारे। ग्रीन बस यार ये भी बड़ी अच्छी निकाली है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, और इतनी प्यारी, इसके ऊपर प्रोजेक्ट पे काम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये जो ग्रीन बस है यार। ऐसा लगता है ग्रीन बस को देखते यार हम UAE में आ गए, ऐसे US में आ गए हो, ऐसा लगता है हमारा पाकिस्तान नहीं USA बन चुका हो, क्योंकि यार USA में ऐसी कोई अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। तो ये रही ग्रीन बस, अब मैं आपको सही से दिखाता हूँ। ये रही इतनी प्यारे, ये प्रोजेक्ट पे काम हुआ है, और ये इतनी प्यारी फेमस भी हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में ग्रीन बस की। और ये न्यू मॉल बना था ना, ये न्यू मॉल है यहाँ पर, वाह कितना प्यारा है, देखो इसको भी देखकर ऐसे लग रहा है ना कि US में आ गए, ऐसी बड़ी बड़ी टीम है। हाँ इधर भी आएंगे यार फारिग टाइम में। पाकिस्तान इतनी तरक्की पे जा रहा है, जैसे कि ये बड़ी बड़ी दुबई की तरह बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन रही है, और ग्रीन बस आ जाती है, तो उसको देखकर और ऐसा लगता है कि हम बड़ी कहेंगे कंट्री में आ चुके हैं यार। तो ऐसे यार आप लोग अपने घर को भी साफ रखो, और मोहल्ले, सोसाइटी, अपनी कंट्री और सिटी को साफ सुथरा रखो यार। जितना भी आपका कचरा वगैरह होता है, वो आप एक डस्टबिन में भर कर, या एक शॉपर में किसी में भी भर कर, आप कचरा कुंडी में फेंको। और जैसे कि आप अगर बाहर फेंकते हो, तो आपकी देखम देखी और भी लोग बाहर फेंकेंगे, तो आपका ही, आपकी जो जगह है वो भी साफ रहेगी। तो यही वजह है कि हमारा पाकिस्तान गंदा हो जा रहा है। से मुराद डस्टबिन में डाल के, और डस्टबिन के जो शॉपर है वो कचरा कुंडी में जाके फेंके। ये नहीं कि आप बीच सड़क, आप बोले सभी भाई ने बोला था कि भाई बाहर फेंको, तो आप बीच रोड पे फेंको। ऐसा नहीं है, आप ये बोलोगे आप डस्टबिन के अंदर भर के ये रख के फेंको, समझ रहे हो? पाकिस्तान के अंदर होलों की तो कमी नहीं है, ये आप देखो यार कितने प्यारे बने हुए हैं, लग्जरी। और ये मॉडर्न पैलेस बैंक्वेट आ चुका है, बैंक्वेट है भाई, आप तो लॉन या हॉल जो भी होते हैं वो है ही नहीं, सारे बैंक्वेट मार्क्यू, बड़े बड़े हॉल बनते जा रहे हैं। माशाल्लाह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो ये सब हो रहा है ना। तो यहाँ पर कुछ भी गंदगी नहीं हो, और कुछ भी गंदगी या सफाई का हम खुद ख्याल रखेंगे ना, तो हमारी कंट्री या सिटी जो भी है वो साफ सुथरी रहेगी, और किसी को गंदगी नहीं फैलेगी। गंदगी फैलती है तो बीमारियां फैलती हैं, बीमारियां जब फैलेंगी तो जाहिर सी बात है हम भी बीमार होंगे, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर का सबसे बड़ा कहना ये होगा आपको कोरोना वायरस हो गया है, तो ये सब नहीं करना है।
हमने खुश नया कोरोना आ गया। हाँ अब नया कोरोना आ चुका है, अब हमें नजला खांसी जुकाम होगा, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो बोलेगा आपको कोरोना है, क्वारंटाइन बन जाओ ऑफ कोविड-19। तो इसलिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि खुद भी सफाई सुथरा रखो, आपकी सफाई सुथराई होगी ना तो गंदगी नहीं फैलेगी, गंदगी नहीं फैलेगी तो आप लोग बीमार भी नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो सब खुशहाल रहेंगे, समझे। 3 hours later तो अभी हम लोग फारिग हो चुके हैं भाई पापा के काम से, अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे दोबारा, मेरा मतलब यार घर से ही आए थे ना अभी तो वापस घर जा रहे हैं, कल से स्कूल खुल चुके थे हमारे, मैं आज गया ही नहीं था, पहला दिन था, बहुत कम बच्चे आते हैं स्कूल के अंदर, पहला दिन होता है, तो हम लोग भी कल से जाएंगे स्कूल, आप लोग को वो भी दिखाऊंगा कि मैं स्कूल के ड्रेस में कैसा लगता हूँ, और आने के बाद भी आप लोग को मैं बताऊंगा कि क्या सब होता है, तो अभी मिलते हैं आपको घर पे। A few moments later. तो क्या आप लोग को पता है यार हम लोग बाहर गए हुए थे पापा के साथ काम से, अभी आ चुके हैं हम लोग पापा के काम से घर पे, तो अभी मैं लेट नहीं जा रहा था क्योंकि काम स्कूल का जो था, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है, तैयारी व्यारी थी वो मैं करके फारिग हो चुका हूँ अभी, तो इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर दो और अब दुआओं में याद रखना आपका छोटा भाई SB व्लॉगर, अल्लाह हाफिज़।